फ्लाईओवर के कारण बनने के कारण प्रेजेंट अभी दिक्कत भरा चल रहा है लोगों का पटना में, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। एंड ये जो डिफरेंट टाइप का फ्लाईओवर बन रहा है जिसका नाम है डबल डेकर फ्लाईओवर। देखिए अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो फुटपाथ हुआ करता था पहले, धूल गर्दा उड़ता रहता था। डबल डेकर ओवरब्रिज बनता हुआ आएगा और ये PMCH में एक इन कर जाएगा। ये बोर्ड लग हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। मैं प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ हूं एंड मैं हूं अभी पटना के अशोक राजपथ में, अशोक राजपथ के पास। एंड मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पटना में फ्लाईओवर्स की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फ्लाईओवर्स आप जब भी पटना आते होंगे तो बहुत सारा फ्लाईओवर्स आपको देखने के लिए मिलता होगा। लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं वो जगह है अशोक राजपथ, पटना का काफ़ी पुराना रोड है। एंड यहाँ जो फ्लाईओवर बन रहा है वो शायद ही आप लोग बिहार में कहीं देखे होंगे। तो गाइस मेरे पीछे जो आप अभी देख रहे हैं फ्लाईओवर, जी हाँ, ये स्क्वायर शेप का जो है मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये एक फ्लाईओवर है, जिसका नाम है, ये आम फ्लाईओवर नहीं है, इसका नाम है डबल डेकर फ्लाईओवर। एक के ऊपर एक फ्लाईओवर रहेगा एंड ये फ्लाईओवर बन रहा है पटना के अशोक राजपथ में। जी हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाईओवर पटना में पहली बार ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ऐसा फ्लाईओवर दिखता नहीं है, दिखा नहीं होगा आपको अब तक पटना में, जो कि मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखला रहा हूँ। तो चैनल पर नए हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जो उसे प्रेस कर लीजिएगा, आपको कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आपको इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में कुछ विशेष जानकारियां अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दे रहे। तो गाइज ये देखिए, ये है वो पिलर अशोक राजपथ का, डबल डेकर ब्रिज का, जो कि एक के ऊपर एक ब्रिज होगा, मतलब फ्लाईओवर होगा, डबल तल्ले का या दो तल्ले का बोल सकते हैं फ्लाईओवर। ऐसा फ्लाईओवर आपने शायद ही कहीं देखा होगा, जब ये अभी तो बना नहीं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद जो इसका लुक आएगा वो बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। ये देखिए, ये नीचे पिलर के ऊपर से एक फ्लोर रहेगा, पिलर के ऊपर एक फ्लोर होगा फ्लाईओवर का, और उसके ऊपर जो स्क्वायर शेप का है उसके ऊपर में भी एक और फ्लाईओवर होगा, देख सकते हैं आप लोग। एंड गाइज, उसके बाद जो जाम की समस्या लगी रहती है अशोक राजपथ पर, वो कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड गाइज इधर देखिए, एक और पाइलिंग का काम चल रहा है, इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा शायद इसे मूव किया जा रहा है एंड छड़ को इसमें यहाँ पर लाकर ऐड किया जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा वो भी, जो पाइलिंग वहाँ पे हो रहा है सर कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद। अभी इसका पाइलिंग का स्ट्रक्चर जो तैयार हो गया वो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो गाइस अभी हम हैं अरविंद हॉस्पिटल के पास, जो कि अशोक राजपथ में है। ये रोड बनता हुआ आ रहा है आपको क्या कहते हैं NIT घाट साइड से, NIT घाट के मोड़ के पास से। एंड ये अब तक PMCH का मखानिया कुआं के पास तक पहुंच चुका है, सेकेंड गेट के पास तक, एंड उसके बाद फिर आगे का काम गांधी मैदान तक ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया, डबल डेकर फ्लाईओवर। देखिए गाइस, ये ऐसा दिखता है डबल डेकर फ्लाईओवर। ये देखिए, ये जो पिलर नीचे से जो आ रहा है इसके ऊपर ये रहेगा बीच वाला जो दिख रहा है आपको, एक राउंड शेप का, स्क्वायर शेप का, उसमें से फ्लाईओवर जाएगा एक, और फिर उसके ऊपर वाला जो ये छड़ जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर भी एक फ्लाईओवर होगा। तो ऐसा फ्लाईओवर बिहार में आप लोग शायद ही कहीं देखे होंगे, मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं दिखा होगा, क्योंकि ऐसा फ्लाईओवर पटना में तो अब तक बना नहीं था। ये पहला फ्लाईओवर होगा पटना का जो कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, देख सकते हैं, एंड काफ़ी अलग लुक दे रहा है ये। ये रास्ता गांधी मैदान चला जाता है और गांधी मैदान से लेकर ये NIT घाट तक का ये फ्लाईओवर रहेगा। ये PMCH वाले लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा,
जाने के लिए। एंड गाइज, ये टोटल 2.2 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर होगा इस फ्लाईओवर का, जो कि गांधी मैदान से एनआईटी घाट तक का रहेगा। और ये लगभग 422 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग देख सकते हैं 22-23 फीट चौड़ा है। और इसका फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लाईओवर होगा वो लगभग 15 से 16 फीट ज़मीन के ऊपर है, और उसका सेकेंड तल्ला का जो फ्लाईओवर रहेगा वो लगभग 35 से 40 फीट ऊपर है ज़मीन का। तो देख सकते हैं आप लोग, इसको तीन तल्ले का फ्लाईओवर बोलिए या फिर डबल डेकर तो ये रहेगा ही, क्योंकि एक ग्राउंड फ्लोर पर जो रोड हो गया वो रहेगा, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर रहेगा एंड उस फ्लाईओवर के ऊपर एक और फ्लाईओवर रहेगा। तो ऐसा अद्भुत सा फ्लाईओवर पटना में पहली बार बनने जा रहा है। देखिए, अभी पूरा रोड को जो है सो कि दोनों ओर से बैरिकेटिंग करके लगा दिया गया है, एंड इसका जो फुटपाथ था वो अभी यूज़ हो रहा है, बाएं साइड वाला रोड के लिए यूज़ हो रहा है। और ये अभी बिहार उर्दू एकेडमी के पास में है, जिसका बाउंड्री टूट चुका है पुराना वाला, और नया बाउंड्री थोड़ा पीछे खसक के आ चुका है। उसी तरीके से PMCH के आगे से पटना कॉलेज का एंड पटना यूनिवर्सिटी का जो भी बाउंड्री था वो थोड़ा अंदर चला गया है इस फ्लाईओवर के कारण, बनने के कारण, रोड के चौड़े हो जाने के कारण, क्योंकि भविष्य में रोड थोड़ा और चौड़ा होगा। जाम की समस्या तो लगी रहती है, अशोक राजपथ पर तो खासकर कुछ ज़्यादा ही जाम लगा हुआ रहता है। तो बढ़िया है, प्रेजेंट अभी थोड़ा सा दिक्कत भरा चल रहा है लोगों का पटना में, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्लाईओवर बन जाने से जाम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एंड रोड भी चौड़ा हो जाने से यातायात को जाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए, अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो फुटपाथ हुआ करता था पहले, एंड अब ये रोड में बदल चुका है। एंड मैंने अपने फेस पे रुमाल से फेस को कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि फ्लाईओवर वगैरह बनने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सो धूल गर्दा उड़ता रहता है भाई। ये बोर्ड लगा हुआ है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। ये देखिए, वहाँ से सीधे डबल डेकर ओवरब्रिज बनता हुआ आएगा और ये PMCH में एक इन कर जाएगा, जिसके वजह से PMCH जाने वाले पेशेंट को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने ज़िंदगी से बचने के लिए, जो भी सीरियस पेशेंट रहेंगे उसके लिए। सो गाइस, जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर चालू हो जाए, बनकर रेडी हो जाए एंड जो अशोक राजपथ पर जाम की समस्या लगी रहती है वो समस्या दूर हो जाएगा इस फ्लाईओवर के बन जाने से। खासकर PMCH जो भी पेशेंट जाएंगे उन लोगों के लिए ये डबल डेकर फ्लाईओवर काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि एम्बुलेंस जो फंस जाता है जाम में अशोक राजपथ में, क्योंकि भाई अशोक राजपथ का जाम बहुत पुराना देखा हुआ है, अब तक वैसा ही जाम लगता है। तो ये फ्लाईओवर जब बनकर रेडी हो जाएगा तो जाम वाम नहीं लगेगा। ऐसे सोचते तो है कि जाम नहीं लगेगा पटना में, लेकिन चाहे जितना भी फ्लाईओवर बन जाए जाम की समस्या पटना में लगी रहती है। तो चलिए, कुछ हद तक कम हो जाएगा ये जाम। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग छोटा सा, आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। एंड ये जो डिफरेंट टाइप का फ्लाईओवर बन रहा है जिसका नाम है डबल डेकर फ्लाईओवर, जो कि जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा एंड उसके बाद फिर अशोक राजपथ पे जो जाम की समस्या लगी रहती है वो नहीं लगेगा। आज इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड डे।